बोथली में एक किसान के 8 एकड़ खेत में रखे धान के कट्टे को आग लगने की घटना घटी। सौली तहसील के बोथली के किसान प्रदीप पुंडले गड्डम्बर, इनके 8 एकड़ खेती के धान के ढेर को अज्ञात आरोपियों ने रात के समय आग लगाने की घटना सुबह प्रकाश में आई। आग इतनी बड़ी थी कि उस पर काबू न पाए जाने से 4 लाख रुपए का उत्पन्न भस्म होने का मामला सामने आया है। इस मामले में सावली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सावली तहसील में आग लगाने की घटना बार बार होने से किसानों में भय का वातावरण है। किसान प्रदीप गड्डम्बर यह परिवार के साथ शिरडी गए थे। उनके 8 एकड़ खेत के श्री राम यह धान की फसल के कट्टे खेत में जमा किए गए थे, लेकिन रात के दौरान अज्ञात आरोपी ने धान फसल को आग लगाई और फरार हुए। आग ने रौद्र रूप धारण किया था। सुबह घूमने जाने वाले कुछ लोगों की नजर आग पर पड़ी। वे प्रदीप गड्डम्बर के घर गए, लेकिन वह घर में न होने से गांव के ही लोगों ने उनके भाई प्रकाश गड्डम्बर इन्हें जानकारी दी। वह घटनास्थल पहुंचे, पुलिस और तहसीलदार इन्हें जानकारी दी गई। आग भयानक होने से पूरी फसल जलकर खाक हुई। दोपहर के समय किसान प्रदीप गड्डम्बर ने पुलिस में शिकायत देकर इस मामले की जांच करे और आरोपी को गिरफ्तार करे ऐसी मांग की। इस बार बार होने वाली घटना की ओर शासन और पुलिस प्रशासन ने ध्यान देकर आरोपी को गिरफ्तार करे और नुकसानग्रस्त किसानों को सहायता करे ऐसी मांग पूर्व सरपंच प्रकाश गड्डम्बर ने की है। शेतकऱ्यांचे पुंजले जाळण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, कारण की हे पुंजले जाळण्याच्या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होत आहे। परंतु शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसल्यामुळे आणि आरोपीस मुभा मिळत असल्यामुळे त्यांचा उत्साह वाढत आहे। तरी नवीन सरकारकडून आम्हाला एक अपेक्षा आहे की असे जे पुंजले जाळण्याचे प्रकार घडत आहेत तरी शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद शासन नवीन शासनाने करावी अशी मी सर्व तालुकावासीय शेतकऱ्यांकडून शासनाला करीत आहे। कष्टकार असून माझे माझे बोथली येथील शेताचे शेतामधील 8 एकर जवळपास अंदाजे 8 एकरमधील धानाचे पुंजले जाळून नुकसान केलेले आहे। करिता मी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन तक्रार केलेली आहे आणि पोलिसांनी त्याची त्वरित चौकशी करून आरोपीस अटक करावी अशी विनंती करतो।